हेलो फ्रेंड्स, हमारे आसपास ही कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं कि हम जिनके औषधीय गुणों के बारे में नहीं जानते हैं, और वो प्राकृतिक रूप से ही हमारे आसपास उगते हैं या जंगली अवस्था में उगते हैं। उनमें से कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिखने में सुंदर लगते हैं, लगता है जैसे कि ये फ्लावरिंग प्लांट हैं, लेकिन वास्तव में ये प्राकृतिक रूप से उगते हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। और वर्षा ऋतु के शुरू होते ही रेनिंग सीजन में ये हमें दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से ही एक पौधा है बालसम। जी हाँ, ये आप बालसम का पौधा देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंसेंट हर्बल रेमेडी में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो में दी जा रही जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को इम्पेथिनेस बाल्समिना या आमतौर पर बालसम, गार्डन बालसम, गुलाब बालसम, टचमीनाट और स्पैंडर्ड स्नैपवीट के नाम से जाना जाता है। और दिखने में ये बहुत ही सुंदर होता है और जिसमें फूल आते हैं, और फूल भी बहुत ही इसके सुंदर और आकर्षक लगते हैं। ये भारत म्यांमार के मूल निवासी नेटिव पौधे की प्रजाति है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो ये एक वार्षिक पौधा होता है और ये रेनी सीजन में ही पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देता है, जो मोटे लेकिन मुलायम तने के साथ, आप देख रहे हैं इसका तना जो है मोटा और मुलायम होता है। इसका तना आपको मोटा मोटा तना इसका दिखाई दे रहा है, और अगर देखें आप इसकी रूट ये देखिए, तो इसमें से ब्रांच निकलती है। तो ब्रांच होती है छोटी, जो देखिए आप बीच बीच में आपको गांठ से भी दिखाई दे रही हैं ये। तो यही इस पौधे की खासियत होती है। और इसके तने 20 से 75 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और अगर हम इसकी पत्तियों की बात करें तो इसकी पत्तियां सर्पिल रूप में व्यवस्थित 2 से 6 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। आप देख पा रहे हैं इसकी पत्तियां, ये देखिए देखने में बड़ी पत्तियां बड़ी सुंदर लगती हैं इसकी। ये इसकी पहचान होती है किनारे से आप पत्तियों के, इसमें ये आपको दांतेदार दिखाई दे रही हैं। पूरा प्लांट जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये फूलों से भर जाता है। इसके फूल गुलाबी, लाल, मोवे, बैगनी, बकाइनिया, सफ़ेद 2 से 5.5 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं। और ये मुख्यतः मधुमक्खियां हैं या अन्य कीड़े हैं उनके द्वारा परागित होते हैं। इसके पके हुए जो बीज होते हैं कैप्सूल बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं जो कच्चे बीज आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए बीज इसमें लग रहे हैं छोटे छोटे, ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरे हुए बीज होते हैं। इसके मेडिसिनल वैल्यू होती है इनकी बहुत। ये आप देख रहे हो, दिखने में देखिए जैसे डॉग फ्लावर होता है तो उसी टाइप से ही दिखाई देता है। तो फ्लावरिंग प्लांट के तौर पर भी हम इसको अपने बाग बगीचे में उगा सकते हैं, और इसके अन्य यूज़ भी हैं। अगर हम इसके यूज की बात करें, इसके बहुत से यूज हैं। इस पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग बीमारी और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए पारंपरिक उपचार के रूप में किया जाता है। इस प्रजाति का उपयोग एशिया में गठिया, फ्रैक्चर और अन्य बीमारियों में स्वदेशी पारंपरिक चिकित्सा के रूप में किया जाता रहा है।
कोरियाई लोग चिकित्सा में इस हिम्पैथिन्स प्रजाति का उपयोग कब्ज और गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या हम कह सकते हैं गैस्ट्राइटिस के इलाज के लिए करते हैं। और अगर हम चीन में इसके उपयोग की बात करें तो चीनी लोग इस पौधे का उपयोग सांप द्वारा काटे जाने पर या जहरीली मछली कभी खाई जाती है तो उन लोगों के इलाज के लिए करते थे पुराने समय में। और चीन में अभी ये परंपरा अभी भी कुछ % चल रही है। इस पौधे का इस्तेमाल वियतनाम में भी किया जाता है। वियतनामी लोग बालों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पौधे के अर्क से अपने बाल धोते हैं। अर्क बनाया जाता है इस पौधे का, जिस अर्क से अगर इसके बाल धोए जाएं तो ये आपके बालों को प्रोत्साहित करेगा, मतलब आपके बालों के बढ़ने की जो स्पीड है वो तेज होगी। और अगर हम बात करें पड़ोसी देश नेपाल की, तो नेपाल में श्रावण संक्रांति के दिन नाखूनों को रंगने के लिए बालसम की पत्तियों को कुचलकर नाखूनों में लगाया जाता है। इसकी खासियत होती है क्योंकि इसकी पत्तियां जो है, अगर इसकी पत्तियों को या इसके स्टेम को भी आप पीस कर अपने हाथ में लगाएंगे या अपने नाखूनों में लगाएंगे तो इससे हल्का नारंगी रंग की एक डाई, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं तो वैसा रंग इससे प्राप्त होता है। और हमारे देश के बहुत से हिस्सों में कृष्ण जन्माष्टमी पर भी इस पौधे की मेहंदी या इसकी पत्तियों को या तने को पीस कर जो मेहंदी तैयार की जाती है उसको लगाने की परंपरा है। और ये एक नारंगी रंग देता है। चीन और कोरिया में भी फूलों को कुचलकर फिटकरी के साथ मिलाकर नारंगी रंग तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल नाखूनों को रंगने में किया जाता है। इसके अलावा इसके अन्य इस्तेमाल भी हैं। और जो इससे जो हमने बताया आपको नाखूनों को रंगने का जो काम किया जाता है उसे नेल वार्निशिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे मस्सों के इलाज में। मस्सों की समस्या आम बात होती है क्योंकि मस्से कभी कभार हाथ में, पैर में या पूरे शरीर में ही हो जाते हैं। और उनसे छुटकारा पाने के लिए इसकी पत्तियों के रस का उपयोग किया जाता है। पत्तियों के रस का उपयोग मस्सों और सर्प के काटने या सर्पदंश के इलाज के लिए भी किया जाता है। उसके लिए आप जैसे इसकी पत्तियां हैं, इसके आप पत्तियों को ले लें, अब इन पत्तियों को पीस लें, पीसने के बाद इन पत्तियों का आप पेस्ट बना लें। इन पत्तियों का पेस्ट लगाएंगे, आपने तैयार कर लिया पेस्ट, उसके बाद अगर इस पेस्ट को आप रेगुलर लगाना शुरू कर देंगे अपने मस्सों पर तो कुछ ही दिनों बाद जो आपको मस्सों की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ये मस्सों पर उपयोग की जाने वाली एक हर्बल मेडिसिन है। और अगर किसी वजह से आपका शरीर में कहीं पर जल गया है या जलने के कारण घाव हो गया है तो उसमें भी इसकी दवा बहुत ही कारगर मानी जाती है। उसके लिए आप इसके फूलों को पीसकर जली हुई जगह पर लगाएं, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। जो आप इसके फूल देख रहे हैं इनको आप पीस लें, पीसने के बाद जहाँ पर जल गया है, आपका घाव हुआ है तो उस पर लगाना शुरू कर दें। और इन फूलों का लेप नियमित लगाते रहें तो आपका जले का घाव भी जल्दी भरेगा और जो आपको उसमें जलन हो रही है घाव में उसमें भी आपको आराम मिलेगा। क्योंकि इसके फूल कूलिंग इफेक्ट देते हैं, मतलब इससे ठंडक मिलती है जब जलन हो रही है जिस जगह में या जल गया है। और खासियत हम आपको बताएं, इसके फूलों में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं,
तो इसके फूल भी इतने ज़्यादा काम के हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप बालसम का प्लांट की पत्तियाँ इस टाइप से होती हैं, सर्पिलाकार होती हैं देखिए, और किनारे में जो इसकी पत्तियाँ होती हैं इसकी पहचान ये है कि इसमें किनारे में आपको देखिए दांतेदार पत्तियाँ होती हैं, आप देखेंगे तो आपको दांतेदार पत्तियाँ इसकी दिखाई देंगी। और फूल और इसमें जब आते हैं तो इसमें धीरे धीरे पूरे ही प्लांट में आते हैं और बड़ा ही सुंदर ही प्लांट लगता है। और इसके बीज हैं, बीज अभी कच्चे हैं देखिए, इस टाइप से इसके बीज बनते हैं, बाद में जब पक जाते हैं तो ये कैप्सूल बनाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्लांट आप देख पा रहे हैं, अच्छे से ग्रोइंग कंडीशन में है ये। फ्रेंड्स वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।